धनु यानी सेगिटेरियस, इस राशि का हम मई महीने का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। आपकी राशि से कुछ थोड़ी सी स्थितियाँ अलग हैं। राशि में शनि है जो बहुत अच्छा नहीं होता और राशि का स्वामी बृहस्पति द्वादश में है, तो यह स्थितियाँ इंडिकेट करती हैं इस महीने आप महसूस करेंगे कि अत्यधिक प्रयत्नों के उपरांत ही कोई कार्य बन रहा है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बनते बनते कार्य में मुश्किलें आए, या जो लगे काफ़ी बन ही गया था अब तो मामला डन हो गया, वहाँ पर कुछ मुश्किलें आई, तो ये एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन कुछ अच्छी स्थितियाँ भी हैं, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध वगैरह की स्थिति अच्छी है और ग्रहों की अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों को मैं मिला के बात करने का प्रयास करूँ तो चुनौतियाँ तो अवश्य हैं, लेकिन जो उपलब्धियाँ हो सकती हैं उसके लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ का की तलाश करते रहें, जो अवसर मिले उनको ना छूकें, उन पर ध्यान दें और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में मान लीजिए कोई मामला है कोर्ट कचहरी में है पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसे कोर्ट में हल ना करें, उसे झगड़े में ना डालें, या अभी कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस मामले को उखाड़े नहीं। कई बार होता है पुराना मामला है, आपको लग रहा है और लोग भाई लोग जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको लगता है बहुत हो गया अब तो करना चाहिए, आप जाके कूद पड़े तो ऐसे में नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई स्थिति हो तो ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, अगर मान लो कि कोर्ट कचहरी मामला पहुंच ही गया है सारे प्रयासों के बावजूद भी, तो वहाँ से विड्रॉ करने का प्रयास करें, एक एमिकेबल सॉल्यूशन का की तलाश करें। ऐसा करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आप उसमें उलझेंगे तो फिर उलझते चले जाएंगे, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है। जब ग्रह स्थिति पक्ष में ना हो तो बहुत ज़्यादा अपना जोर ज़बरदस्ती नहीं दिखाना चाहिए, ना करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। जो लोग कॉम्पीट करना चाह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो और कोई एरिया हो, हम जिंदगी में रोज़ ही कॉम्पीट करते रहते हैं, बड़ा मुश्किल है। हमको लगता है शायद सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही कॉम्पीट करता है या स्टूडेंट करता है, मैं भी करता रहता हूँ, सब करते रहते हैं। जो भी कॉम्पीट करने वाली एरिया हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। आप अपने टैलेंट पे, अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें और उनको, वो आपका एसेट है, उस एसेट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मैंने आपको बोली उसको आप पार कर सकते हैं। और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए खान पान और व्यायाम जो भी आप करते हैं, नहीं करते तो करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये महीना ये निकल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।